छिंदवाड़ा जिला के चौरे क्षेत्र में किसान आक्रोशित हैं। तेज बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। 24 सितंबर को 33 गांव के किसानों ने केदारपुर में सर्वसम्मति से बैठक कर निर्णय लिया था कि 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 30 सितंबर को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि हमारी फसल का उचित सर्वे कर बीमा क्लेम एवं मुआवजा दिया जाए। किसानों ने बताया कि हमने दो बार ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को फसल क्षति के संबंध में अवगत कराया है, लेकिन आज तक प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली। इसलिए पुनः हम सभी किसानों ने बैठक कर 30 सितंबर को हजारों की संख्या में किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। किसान संघर्ष समिति ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से अपनी मांग रखी और कहा है कि यदि हमारी मांग की पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के समय राजस्व विभाग एसडीएम प्रभात मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया और कहा कि दो दिन में सर्वे किया जाएगा। किसान आंदोलन में उपस्थित शिव कुमार दुबे, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष मंगल राठौड़, नसीम खान, महेश बंजारा, राम तिवारी, दीपक किशोर तिवारी, श्याम ठाकुर, राजेंद्र पाठक, गुरु सनोडिया, बुद्धू पटेल, घनश्याम सनोडिया, देवेंद्र पाठक, गौतम सनोडिया, सुरेश सिंह बैस, प्रयास सिंह धुर्वे, सुरेंद्र सक्सेना, अनिल सनोडिया, प्रवीण सनोडिया, दशरथ सनोडिया, संजय पट्टी, सेवक राम, सुरेंद्र डेहरिया, अशोक साहू, सुमेर सिंह ठाकुर एवं 33 गाँव के किसान गण आंदोलन में उपस्थित रहे। आज किसान संघर्ष समिति के तत्वधान में आज किसान संघर्ष समिति के सारे 33 गांव के किसान आज यहां एसडीएम कार्यालय उपस्थित हुए और सारे लोग अपनी अतिवर्षा के कारण जो फसल आज नष्ट हुई है, चौपट हुई है, और जिन किसानों ने सहकारिता सोसाइटी से जो लेन देन किए हैं उसमें जो हमारा बीमा कटा हुआ है, हम उस अधिकार को मांगने के लिए आज हम अनुविभागीय अधिकारियों के यहाँ ज्ञापन सौंपा है और अधिकारी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम दो दिन में आपका सर्वे कराएंगे और आपको सूचित करेंगे। इसी बात को लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए। ग्राम जमुनिया का किसान हूँ। आज हम लोग चौरे विधानसभा के इस बेल्ट के 33-34 गाँव के किसान एकत्रित हुए हैं। अतिवृष्टि को देखते हुए इसमें जो क्षति हुई है उस क्षति का सर्वे करवा करके और हमारी जो बीमा राशि कटती है उसका क्लेम हमको दिया जाए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम बीमा राशि पे इस बिंदु पे हम पहल कर रहे हैं कि बीमा हमारे खेत का हमने किया है। प्रशासन बीमा कंपनी पंचायत को इकाई रखती है, हम उसको इकाई मानना नहीं चाहते, ऐसा हमारा निवेदन है। पर किसान जिस रकबे का, जिस खसरे का बीमा हुआ है उस खसरे की इंक्वायरी की जाए, सर्वे किया जाए और उसको क्लेम दिया जाए। ये बीमा कंपनी से हम निवेदन करते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसा नियम हमको लागू करके दिया जाए। और 24 तारीख को भी हमने अगस्त में हमने जो ज्ञापन दिए थे उस समय भी हमको आश्वासन दे दिया गया था कि हम सर्वे करवाएंगे, पर अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए हमको पुनः दूसरी बार हमको यहाँ पे आना पड़ा। दो बार हो गया, अब तीसरी बार अगर ज़रूरत पड़ी, अभी भी अगर सर्वे नहीं होता है, एसडीएम महोदय ने हमको आश्वासन दिए हैं कि हम दो दिन के अंदर सर्वे करवाएंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम कोई ना कोई उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। और जो हमारी 12 अगस्त की रात में जो अति बारिश हुई है उस बारिश से नदी नाला से लगे किसान जो पीड़ित हुए हैं, जिनकी क्षति हुई है, बंधान टूटे हैं, खेत खोद के नाला बन गए हैं, उन किसानों को तत्काल राहत राशि दी जाए, सर्वे करवाएं, पटवारी को पहुंचाएं। हमने पटवारी जी को अवगत कराया था तो उन्होंने बोला कि जिसका भी होगा तो सामूहिक रूप से होगा, ऐसा कह के हमारी बात को अनसुनी कर दी गई है। उसी बात को हम यहाँ पर महोदय जी के समक्ष समस्त किसान बंधु यहाँ पर पहुँचे थे। आगरा में सारे 33 गाँव किसान एकत्रित हुए, सभी किसानों ने अतिवृष्टि के कारण मुआवजा की मांग किए हैं, जिसमें पहला प्राथमिकता है कि हमारा जो बीमा पड़ता है, किसान जो बीमा देता है, हमें बीमा क्लेम मिलना चाहिए। दूसरा है शासन को मुआवजा मिलना चाहिए। टोटल 33 गांव में 70-80% फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान बहुत चिंतित है कि शासन, एक बार इसके पहले भी हमने आवेदन आगरा सरकार से किए थे, दूसरा अभी भी हमने फिर एसडीएम महोदय को दिए, तीसरा हमारा अगला कार्यक्रम बहुत उग्र होगा जिसमें हम या तो प्रशासन के पास धरना प्रदर्शन करेंगे या नहीं तो सीनी छिंदवाड़ा रोड को जाम करेंगे। अभी एसडीएम महोदय ने क्या कहा? अभी एसडीएम महोदय ने बोले कि हम दो दिन के अंदर प्रत्येक गांव का सर्वे कराएंगे, अधिकारी जाएंगे और वो सूचित करेंगे कि कुटवार के माध्यम, जिसके माध्यम से पूरे गांव को पता लगा कि आज हमारे गाँव में सर्वे हुआ है, हमने आह्वान किए और निवेदन भी किए। यदि अब सरकार हमारी नहीं मानती या शासन नहीं मानते, उग्र आंदोलन तैयारी करेंगे 33 गाँव किसान, जिसमें धरना प्रदर्शन और चक्का जाम भी रहेगा, रोड जाम भी करेंगे। इसके लिए यदि हमको छिंदवाड़ा भी जाना पड़े तो हम कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे। और विधानसभा
किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष और जितने भी हमारी समिति के सदस्य हैं और पूरे किसान हैं, आज जो भी नुकसान हुआ है, जो बारिश हो रही है, अतिवृष्टि और महाअतिवृष्टि, ऐसी अतिवृष्टि कभी मतलब हमने तो अपने जीवन काल में नहीं देखे। मैं भी 58 साल की है जो भी मेरी और सब लोगों की है, और फसल पूर्णतः चौपट हो गई है, बड़ी मुश्किल से मौसम खुला है। तो हमारी प्रशासन से, जैसे SDM साहब ने और तहसीलदार महोदय ने अपना आश्वासन दिया है कि हम एक दो दिन के अंदर सर्वे करा करके और पूर्ण राहत किसानों को दी जाएगी। वेट कर लेते हैं हम 2-3 दिन का, फिर जैसे दुबे जी अध्यक्ष महोदय ने जो अपना व्याख्यान आपके सामने दिया है और किसानों के सामने, और हम सब किसान लोग जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे एक हैं, किसानों का सर्वे होकर के उन्हें विधिवत नुकसानी मिलना चाहिए और जो क्षतिपूर्ति बीमा की सोसाइटी के माध्यम से, बैंक के माध्यम से हर किसान की बीमा की राशि कटती है और वो मिलती च नहीं है। तो आज के आप लोगों के माध्यम से हम ये अपने विचार रखना चाह रहे हैं कि प्रशासन यानी मीडिया के माध्यम से और बीमा की जो राशि किसान की जो कटती है, क्या कारण है कि बार बार आने की ज्ञापन दिया जा रहा है और प्रशासन सुन नहीं रहा है? प्रशासन कान में बत्ती डाल के बैठा है, कुछ सुन नहीं रहा है। और हम ऊपर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय बंटी साहू जी हैं और भी जो भी हैं, हालांकि ये गैर राजनीतिक है, इसमें चाहे कोई भी पार्टी को है, यहाँ कोई पार्टी नहीं, यहाँ तो किसान शुद्ध किसान मिलकर के यहाँ पर हम अपनी जो समस्या है उसके लिए आए हैं। हर किसान परेशान है और सब अपनी अपनी समस्या लेकर के आए हैं, और उसमें हाथ कंगन को RC क्या भाई, आप सर्वे कराओ, देखो तो बताओ थोड़ा कि कितने भुट्टे नहीं है, इतनी इतनी सी भुट्टी है और किसान जो है मूड़ पटक रहा वहाँ पर, उसको कोई राहत की सांस लेते नहीं दिख रही है। यदि प्रशासन ने मैं अगर सर्वे नहीं किया जाता और किसानों के पक्ष में उचित मुआवजे की सर्वे करके और उचित मुआवजा का अगर यहां से निर्धारण नहीं किया जाता तहसील के द्वारा, तो आगे उग्र आंदोलन जैसे दुबे जी ने बोले हैं उस पर भी विचार किया जाएगा। NBC न्यूज़ के लिए चौरी से राजेश उइके की रिपोर्ट।